हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। आप सभी स्टूडेंट्स को एमएचटीसीटी 2022 की डेट्स जो है ऑलरेडी पता चल गई होगी, जो कि है 11th जून से 28 जून तक। तो देखो स्टूडेंट्स, आपकी एमएचटीसीटी 2022 की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है। अब इसके बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में फियर आ गया है कि अभी इतने कम समय में ये सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और एमएचटीसीटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इतने कम समय में 150 एमसीक्यूज कैसे सॉल्व हो जाते हैं। ये सब जो है आपके मन में एक घबराहट जो है आपके मन में आ गई है। आपका यही फियर जो है इसी को दूर करने के लिए यहाँ पे जो है इस वीडियो में मैं आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको एक फाइनल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिससे जो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आप जो है एमएचटीसीटी में बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, अभी आपके हाथ में जो है 2.5 मंथ्स, आपके नियरली 2 मंथ्स आपके हाथ में ही है। तो अभी आप अभी से सीरियस होके जो है अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो तो आप जो है डेफिनेटली एमएचटीसीटी में 99+ परसेंटाइल तक जा ही सकते हो। एंड यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट वाइज सारी स्ट्रेटजीज जो है आपको मैं बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली अच्छा जाएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो भी सारे मैंने स्ट्रेटजी मेंशन किए ये सभी स्टूडेंट्स को कंसीडर करते हुए, एवरेज भी स्टूडेंट जो ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है, एक टॉपर स्टूडेंट्स भी जो है ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है, जिससे जो है दोनों के मार्क्स बढ़ने वाले। तो कोई भी स्टूडेंट जो है ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है, ये कॉमन स्ट्रेटजी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि टॉपर के लिए कोई अलग स्ट्रेटजी होती है एंड एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग स्ट्रेटजी होती है। इस वीडियो में मैं पूरे सब्जेक्ट वाइज आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 31 मार्च तक जो है आपके एमएचटीसीटी के फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी जाके जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का फुल ट्यूटोरियल वीडियो जो है अपलोडेड है खुशी मैम के चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जो है वीडियो देख के जो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो 31 मार्च जो है लास्ट डेट है। तो चलो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो स्टूडेंट्स, पीसीएम में अगर हम देखेंगे तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होता है। अभी देखो पीसीएम में जो है मैथ्स में, मैं अभी मैथ्स स्कोरिंग क्यों बता रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स, मैथ्स में जो होते हैं 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होते हैं। तो मैथ्स में ही जो है आपके टोटल 100 मार्क्स आते हैं। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे जो है आपका परसेंटाइल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो अगर आपकी अगर कुछ भी प्रिपेरेशन नहीं हुई है तो आपको जो है मैथ्स से स्टार्ट करना होगा। मैथ्स में आपको जो है 100 में से 80+ लाने का आपको जो है ट्राई करना होगा। अभी आप मैथ्स स्ट्रांग बनाओगे तो डेफिनेटली आपका फिजिक्स भी आपका स्ट्रांग हो ही जाएगा, इनडायरेक्टली आपका फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा। तो आप जो है स्टार्ट करो मैथ्स से। मैथ्स में आपको जो है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इधर मैंने ऑल चैप्टर्स क्यों लिखे। अभी देखो स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जितने भी सारे चैप्टर्स है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, टोटल जो है 6 to 7 चैप्टर्स है। ये सारे के सारे कैलकुलस वाला पार्ट आपको सारा का सारा अच्छे से क्लियर करना है। इसमें बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, यूट्यूब पे आपको मिली जाएंगी सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स। वही सारे शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करके जो ये सारा कैलकुलस पार्ट आपको सॉल्व करना होता है। एक कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो 5-5, 6-6 मिनट लगता है, लेकिन आपको ये सारा 5-5, 6-6 मिनट आपको यूज नहीं करना है। बट उससे पहले जो ये कैलकुलस पार्ट सॉल्व करने से पहले जो आपके जितने भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से जितने भी बेसिक जो भी फॉर्मूलेज है ट्रिग्नोमेट्रिक्स के सारे फॉर्मूलेज आपको जो है याद होने चाहिए, तभी आपका कैलकुलस पार्ट अच्छे से हो जाएगा। एंड सबसे मेजर जो मार्क्स स्कोरिंग है यही है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डिफिकल्ट जाता है। अगर अभी से आप प्रैक्टिस करोगे, सारे फॉर्मूलेज लर्न करोगे तो ये आपका पार्ट जो एकदम इजिली कवर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखा मैंने सॉल्व एग्जाम्पल। अभी ऐसे बहुत सारे पेपर में देखा गया है कि सॉल्व एग्जाम्पल एज इट इज जो है एमएचटीसीटी एग्जाम में पूछा गया है, तो सॉल्व एग्जाम्पल भी जो आपको देख के जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं करना है आपको, सॉल्व एग्जाम्पल एज इट इज जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल में से पूछे गए एमएचटीसीटी एग्जाम में, विद प्रूफ मैं आपको जो है बता सकता हूँ। 2020 का पेपर उठा लीजिए एंड उसी में आपको जो है सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद लास्ट 5 इयर्स में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस बने हुए हैं एमएचटीसीटी एग्जाम में जो पूछे गए हुए, वो सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। अब ये बस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक, मैट्राइजेस, एलपीपी, ये सारे चैप्टर्स के आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है।
अभी देखो एमएसटीसीटी में एक ही की पॉइंट है, आप जितना ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका पेपर जो है इजी जाएगा एंड उतना ज्यादा स्कोरिंग जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, अभी मैथ्स के बाद अब मैं केमिस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि फिजिक्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट जाता है लेकिन केमिस्ट्री जो है वो इजी जाता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स। अभी आपने स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स डिसाइड कर लिया, वहां पे आपने 80+ स्कोर कर लिया, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में आप अगर टारगेट करते हो 40+ तक जाने का तो आपका जो है परसेंटाइल बहुत अच्छा आएगा। तो इधर देखो आप सबसे पहले केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें जो कि आपका सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आयोनिक इक्विलिब्रिया हो गया, ये सारे चैप्टर्स में जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितना ज्यादा फोकस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट जो है ऑल डेफिनेशन एंड फॉर्मुलेस। अभी बहुत ऐसे अभी थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन पूछा गया था एग्जाम में, तो ऐसे सारे के सारे डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद करने, सारे लॉज याद करने हैं, एज इट इज जो है वो सेंटेंस दिया रहता है एंड आपको पहचानना होता है कि ये लॉज कौन सा है, ये डेफिनेशन कौन सी है, एंड इवन हाफ लाइफ फॉर्मूला का भी एमसीक्यू जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो सारे फॉर्मूलेज और डेफिनेशन आपको अच्छे से कर लेने। थर्ड जो है नेम रिएक्शंस एंड एप्लीकेशंस। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सारे के सारे जितने भी नेम रिएक्शंस है आपके वो सारे के सारे नेम रिएक्शंस आपको कंप्लीट करने, एंड जब भी आपका चैप्टर खत्म होता है वहां पे जो है एप्लीकेशन एंड यूजेस होते हैं, बेंजीन के एप्लीकेशन यूजेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स के एप्लीकेशन यूजेस होते हैं, वो सारे एप्लीकेशन एंड यूजेस आपको अच्छे से करने, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एमएसटी सीटी एग्जाम में। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर्स एंड एग्जाम्पल, आपको पता है कि इनऑर्गेनिक में जो है बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स है एज वेल एज ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, तो स्ट्रक्चर दिया जाएगा आपको, देन उसके बाद आपको जो है उसका कंपाउंड नेम जो है आपको फाइंड करना होगा, तो स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स को भी आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आईयूपीएसी, आईयूपीएसी जो है आपका तो बहुत ईजी ही जाएगा अगर आईयूपीएसी अगर आपका बेसिक जो है सारा क्लियर है, कॉमन नेम अगर आपको पता है, आईयूपीएसी नेम अगर आपको पता है, तो आपके इधर 3-4 मार्क्स तो ऐसे ही आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो आईयूपीएसी तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि रिएक्शन जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको जो है कंपाउंड नेम दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है स्ट्रक्चर बनाना होगा। तब तक आपको आईयूपीएसी नहीं आता तब तक आपको जो है स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा, तो आईयूपीएसी आपको करना ही है एनी हाउ। नेक्स्ट जो है पीवाईक्यू, सब केमिस्ट्री में भी जो है ऐसे है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए कि जो कि रिपीट हुए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हर एक चैप्टर जो भी अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सॉलिड स्टेट प्रिपेयर कर रहे हो तो सॉलिड स्टेट के लास्ट 5 इयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ऐसे करके हर एक चैप्टर्स के आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप इजिली 40+ जो है केमिस्ट्री में ला सकते हो एंड इजिली इधर मैथ्स में जो है 100 में से 80+ तक ला सकते हो, ऐसी जो है आपका 120+ जो है यहीं पे आपका स्कोर हो जाता है। एंड अभी इधर फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूरे 50 क्वेश्चंस देखेंगे तो 50 के 50 जो क्वेश्चंस है सबके सब न्यूमेरिकल्स ही होते हैं और ये इतने जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि स्टार्टिंग से जो है वो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन अभी आपके पास इनफ टाइम है, 2 महीने का टाइम है, तो अगर अभी से ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, वन शॉट लेक्चर्स देखोगे यूट्यूब पे, तो आपका ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है बहुत इजीली जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला शीट ऑफ ईच चैप्टर, अब ये पॉइंट को जो है आप नोट कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। देखो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये टाइम पे पढ़ लेते हैं सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और वो जो है उसकी समरी नहीं बनाते एंड उसी के बाद जो है 10 दिन के बाद वो सेम चैप्टर अगर वो पढ़ने जाए तो उनको कुछ याद नहीं रहता है। तो आपको ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, आपको जो है जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसके आपको खुद से जो है नोट्स बनानी है, समरी बनानी है कि ये सारे चैप्टर्स में फॉर एग्जांपल ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन में आपने क्या क्या पढ़ा, ऑक्सीलेशन में ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले से जिसमें आपको डिफिकल्टीज आई, ऑक्सीलेशन में ऐसे कौन कौन से न्यूमेरिकल से जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, ये सब जो है आपको लिख के रखना ताकि आप जब रिविजन करोगे तो फिर से आपको उतना टाइम ना देना पड़े। फिजिक्स में जो है आपको आपकी फॉर्मूले शीट जो है रेडी रखनी है। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन भी जो है काफी बार फिजिक्स के पेपर में देखा गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सारे डेफिनेशंस आते बट इतने नहीं आते, न्यूमेरिकल्स जो है भर भर के आते, तो न्यूमेरिकल्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। लॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, अभी सर्कुलर मोशन अगर आपने पढ़ा होगा तो सर्कुलर मोशन में आप सर्कुलर मोशन के ऊपर ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो सब जो है आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। लास्ट जो पॉइंट है इसमें भी मैंने प्रीवाईक्यूज को मेंशन किया, अगर आप इसमें भी अगर समझो ऑक्सीलेशन चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑक्सीलेशन में जितने भी लास्ट 5 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्व कर लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ सॉल्व करने की आपको कोई नीड नहीं होगी। लास्ट 5 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे पीवाईक्यूज जो है आपको टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो होप सो आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा एंड यहाँ पे जितने भी मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपको मेंशन की है आप होप सो आप फॉलो करोगे एंड अगर आप फॉलो करते तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है डेफिनेटली इंक्रीज होने ही वाले। तो
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।